हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लज्जा पटेल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मेरा बर्थडे आने वाला है 4 अक्टूबर को, तो ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ मेरी प्री बर्थडे शॉपिंग का। तो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं स्पेक्स से। वैसे मुझे ज़्यादा नंबर नहीं है, हाफ ऑफ ही है, पर जैसे मैं मूवी देखने जाती हूँ या टीवी देखती हूँ तो मुझे अभी ज़रूरत पड़ रही है। मुझे थोड़ा बहुत ब्लर दिखता है, और वैसे मेरे पास है पर वो है ना टूट गया है। तो जैसे अभी मैं मूवी देखने जाती हूँ ना, तो क्रियांश देखता है, तो क्रियांश ऐसे जोर से बोलता है कि लज्जा बुआ, ये आपके चश्मे क्यों टूटे हुए हैं? तो आसपास के लोग सब मुझे देखते रहते, तो मेरे को बहुत शर्म आती है। तो मैंने सोचा अभी फर्स्ट शॉपिंग मुझे बर्थडे की करनी चाहिए मेरे स्पेक्स, और वो मैंने ऑलरेडी मैं बुक करवा के आ चुकी हूँ। मतलब मेरा नंबर चेक करवा कर भी आ चुकी हूँ, और मैंने बनवाने के लिए भी दे दिया है। तो वहाँ पर जाके सिर्फ कलेक्ट करना है। और हाँ, मैंने जो वाले लिए हैं वो मुझे आपने ही सजेस्ट किया था। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पर डाला था, मैंने 2 चॉइस दी थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चश्मे का मुझे बोला गया था, मैंने वही वाले चश्मे लिए हैं। तो अभी वहाँ पर जाके कलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। सो अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी, और मैं जा रही हूँ मम्मी और पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए। सो लेट्स गो। चश्मे फाइनली आ चुके हैं, और मुझे लग रहा है मेरे फेस पे बहुत क्यूट लग रहे हैं। आप बताओ कैसे लग रहे हैं? चलो, मेरी सबसे पहले वाली शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुके है, मेरे स्पेक्स आ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेरा गिफ्ट नंबर 2 लेने के लिए। तो हर बार मुझे एक गिफ्ट में देते हैं गोल्ड की रिंग, पर इस बार मेरे पास बहुत सारी हो चुकी है। तो इस बार पापा मुझे क्या दिला रहे हो? ब्रेसलेट दिला रहे। तो रिंग तो पसंद आ ही जाती है, पर ब्रेसलेट थोड़ी बड़ी चीज है। तो पापा बोल रहे थे तो खुद ही सिलेक्ट कर लेना। और वैसे मेरे हाथ बहुत पतले हैं, वैसे मैं इतनी पतली नहीं हूँ, पर मेरे हाथ थोड़े पतले हैं, तो मेरी साइज के जल्दी से मुझे मिलते नहीं है। तो पहले से शायद बुक करवाना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि मेरे बर्थडे के टाइम पर वो वापस आ जाए घर पर। तो अभी हम निकल रहे हैं। पापा कहाँ पर जा रहे हैं हम लेने के लिए? अच्छी घर ज्वेलर्स, पच्ची घर में जा रहे हो। हम गोल्ड वहां से लेते हैं, और मम्मी फटाफट भाग कर आई है। मम्मी हाय। अभी मैं देख रही हूँ हाथ के लिए ब्रेसलेट, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, शॉपिंग टाइम पे एक मस्त सी चाय मिल जाए तो शॉपिंग की मजा कुछ अलग ही आती है। बहुत सारी फाइनली हो चुकी है मेरी शॉपिंग, और मैं आगे जाके आपको बताऊंगी क्या लिया है और कैसे। मैंने ले लिया है ब्रेसलेट, और मुझे चाहिए था वैसा वाला ही मिला है। तो अभी मैं दिखाने वाली थी, पर मैं सोच रही हूँ इससे अच्छा मेरे बर्थडे के दिन ही दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी मैं छोटा मोटा चीज लेने जा रही हूँ, मेकअप है और हील्स है। आउटफिट तो ऑलरेडी मेरा आ चुका है घर पर, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो अभी फटाफट हम हील्स लेते हैं, मेकअप लेते हैं, बाद में हम घर जाएंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि भी है तो रेडी होके गरबा खेलने भी जाना है। मम्मी आओगे गरबा खेलने? आऊंगी, मैं तो हर रोज गरबा खेलने आती हूँ। चलो अभी हम आए हैं यहाँ पर एसी मार्केट में, अभिनंदन एसी मार्केट, और अभी अंदर जाकर देखते हैं। जब भी मेकअप लेने जाते हैं हम लेना कुछ और चाहते हैं, और साथ साथ में और एक्स्ट्रा शॉपिंग हो जाती है। अभी मेरा नेल पेंट का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, पर ये मुझे दिखा रहे थे शॉप वाले, तो मैंने सोचा चलो एक आधी ले लेती हूँ। मेरी पूरी मेकअप की शॉपिंग हो चुकी है मेरी बर्थडे के लिए, और अभी नवरात्रि भी चल रही है तो दोनों में यूज़ हो जाएगा। वैसे वाली चीज़ें मैंने ले ली है, फाउंडेशन है, काजल है, और भैया मुझे बता रहे थे ये ले लो ये ले लो,
मैंने बोला नहीं भैया अभी मुझे इतना ही चाहिए, तो बस अभी मैंने ले लिए पैसे रिटर्न और अभी मैं जा रही हूँ हिल्स। अभी मुझे ये हिल्स दिखा रहे हैं और मुझे जैसे चाहिए थी वैसे वाली हिल्स नहीं मिली, मुझे ज़्यादा हिल चाहिए थी, पर ठीक है मुझे ये पसंद आ रही थी तो मैंने सोचा चलो अभी ले लेते हैं, बाद का बाद में दिखा जाएगा, बाद में मैं दूसरी हिल्स ले लूँगी। फाइनली मेरी पूरी बॉडी की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं घर जा रही हूँ, बहुत लेट हो चुका है। मैंने बोला था गरबा गाने के लिए भी जाना है इसलिए, तो अभी मैं शायद नवरात्रि के आउटफिट भी देखने जाने वाली हूँ कल, तो शायद मैं उसका भी अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अभी तक, तो चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।